गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम डे 4 इन द वाई। तो हम हो गए हैं रेडी और आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं दुबई मिरेकल गार्डन। तो हम लोग कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थे, हम आज थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी रेडी हो गए एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे ग्लोबल विलेज शाम में। और हम लोग आ गए हैं अभी मेट्रो से उतर के बस स्टैंड पे, जहाँ से हमें बस लेनी है फॉर मिरेकल गार्डन। तो हम मेट्रो से उतरे हैं मॉल ऑफ एमिरेट्स पे और अभी जस्ट बस का वेट कर रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में आती है। वैसे तो ऑनलाइन लिखा था कि हर हाफ एन आवर में आती है, बट अभी हमें बैठे हुए 15-20 मिनट्स तो हो गए हैं एंड फाइनली हमारी बस आ गई और हम लोग बैठ गए। हमें सीट मिल गई बस में, अदरवाइज खड़े होकर जाना पड़ता। सो बस से इट्स अराउंड हाफ एन आवर मिरेकल गार्डन पहुँचने में। और हाँ, एक और चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आप दुबई आ रहे हैं और जो भी इसका लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, वेदर इट इज़ अ ट्रैम और बस, तो यहाँ पर एक बॉक्स होता है जहाँ पर आपको अपना नॉल का टैप करना होता है चेक इन के टाइम भी, चेकआउट के टाइम भी, तो वो ज़रूर कर लें, अदरवाइज़ उसका बहुत ज़्यादा आपको फाइन लग सकता है। और ये हम लोग पहुंच गए हैं मिरेकल गार्डन। तो बाहर से काफ़ी अच्छा दिख रहा था, बहुत सारे फ्लावर्स, क्योंकि पूरा ही फ्लावर्स का है तो काफ़ी सुंदर दिख रहा था। Oh my god, we came here and this is amazing. Like look at these structures, yeah, this is the castle and this is Smurf's village which they have prepared for children. And yaar ye dekho, this is a teddy bear and here are penguins. So बहुत ही सही है यार, बहुत ही सही है, मस्त लग रहा है दुबई मिरेकल। और यहाँ पर इतने सारे अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स थे ना, वो सब स्ट्रक्चर्स बनाए हुए थे एंड उस पर ये ऐसा उन्होंने फ्लावर्स के थ्रू किया हुआ था, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये अलादीन का था, ऐसे जो डॉल्स अभी आपने पीछे देखी जो ऐसे मूव कर रही थी, उसके बाद ऐसे एक दो कैसल्स और देखे थे हमने। और जो मेन है यहाँ पर, आपने ये बहुत सारे फोटोज़ वीडियोस में देखा ही होगा, ऐसे हार्ट शेप्ड में इन्होंने जो एंट्री बनाई हुई है, यार बहुत ही अमेजिंग था दुबई मिरेकल गार्डन। और हम लोग दुबई मिरेकल गार्डन से फ्री होकर आ गए हैं मॉल ऑफ मिरेट्स में, क्योंकि ये बिल्कुल पास था वहाँ से, तो हमने सोचा कि यहाँ पर भी थोड़ा सा घूम लेते हैं। और फिर ग्लोबल विलेज में तो टाइम है, वो 4 बजे खुलता है, तो अभी कुछ 2:30 बज रही थी, तो हमने कहा चलो थोड़ी देर मॉल में घूम लेते हैं और थोड़ी बार शॉपिंग कर लेते हैं। सुयश मुझे दिला रहा है मेरा बर्थडे गिफ्ट, सो लेट्स सी मैं कौन सी ब्रांड का बैग लेती हूँ। सो मैंने बैग ले लिया था, लेकिन मैंने कौन सा बैग लिया है वो आपको पता चलेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं सारी शॉपिंग दिखाने वाली हूँ जो भी मैंने दुबई से थोड़ी बहुत करी है आपको, तो उसमें आप ज़रूर देखिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट डे 4 का पार्ट 1 इन दुबई, क्योंकि सुबह हम लोगों ने कवर किया दुबई मिरेकल गार्डन और मॉल ऑफ एमिरेट्स, जो कि दुबई मॉल के बाद 2nd नंबर पर आता है। उसके बाद हम लोग गए थे ग्लोबल विलेज, जिसका जो वीडियो है, ब्लॉग है, वो मैं कल या परसों एक दो दिन में अपलोड करूँगी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। जो भी मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे ढेर सारे लाइक्स, कमेंट्स, शेयर करो मेरी वीडियो पे और मुझे ढेर सारा प्यार करो। बाय।